हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYGP सेमेस्टर 4 22-26 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं BA BSc BCOM, आप किस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 का नया रूल समझना पड़ेगा, पास फेल प्रमोट। यानी अगर आप अगले सेमेस्टर में जाना चाहते हैं, यानी कि सेमेस्टर 5 में अगर आपको जाना है, तो भाई ये क्राइटेरिया आप सभी बच्चों के लिए फॉलो होने वाला है। क्या है ये क्राइटेरिया, क्या कहते हैं नया रूल्स, आप सभी बच्चों को सारी बातें बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो इसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर शेयर कर दीजिएगा। कुछ पूछना रहे फेसबुक इंस्टाग्राम है, वहां पर जुड़ के पूछ लीजिएगा। देखिए, आप सही बच्चों का 22-26 जो सेशन है, आपको मालूम होगा कि भाई सेमेस्टर 1 आपने पढ़ा, सेमेस्टर 2 पढ़ा, फिर सेमेस्टर 3 आपने पढ़ा, और अभी कुछ बच्चे सेमेस्टर 4 का पेपर देंगे, पेपर उनका हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे चार कैटेगरी में बांटा। बोले सर हमने इसे क्यों कैटेगरी में बांटा है, कारण यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो यहां तक है ये पूरा फर्स्ट ईयर में काउंट होता है, यहां से यहां तक आपका जो है ये सेकेंड ईयर में काउंट होता है। अब आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि सेमेस्टर 1 का भैया 6 पेपर, सेमेस्टर 2 का भी 6 पेपर, सेमेस्टर 3 में भी आपने 6 पेपर पढ़े, सेमेस्टर 4 का भी आपका 6 पेपर है, भले वो कोई भी पेपर उससे फर्क नहीं पड़ता। आप सही बच्चों को मालूम होगा, जब आप सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 जा रहे होंगे तो वहां पे बोला गया था आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा कि अगर आप 12 पेपर है टोटल सेमेस्टर 1 और 2 मिला के, अगर आपको क्या करना है सेकेंड ईयर जाना है, तो वहां पर 12 पेपर में से अगर आप 9 पेपर पास नहीं होते हैं तो आप सही बच्चों को सेमेस्टर 3 जाने दिया जाएगा। या फिर उसमें बोला गया था कि अगर आप 9 पेपर, या फिर वहां पर बोला गया था 7.5 CGPA मार्क्स अगर स्कोर नहीं कर पाते तो भी आपको सेमेस्टर 3 नहीं जान दिया होगा। तो इस प्रकार का पहला सेकेंड ईयर का क्राइटेरिया था। थर्ड ईयर का भी देखिए सेम क्राइटेरिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो आपका होगा, जो कि कहां से स्टार्ट होगा बच्चों, फिफ्थ सेम से आपका स्टार्ट होगा, यानी कि जो पांचवा सेमेस्टर है वहां से कहानी स्टार्ट होता है। इसका गाइडेंस क्या कहता है कि भाई अगर आपको सेमेस्टर, देखिए यहां तक टोटल कितने पेपर हो गए, 24 पेपर, अगर आपसे ही बच्चों को पास करना है तो भाई 24 पेपर है, 24 पेपर में आपको टोटल 18 पेपर में पास होना पड़ेगा। अगर आपसे ही बच्चे 18 पेपर में पास हैं तो ही आप लोग थर्ड ईयर या सेमेस्टर 5 का शुरुआत कर पाइएगा, अदरवाइज आपसे ही बच्चा नहीं कर पाइएगा। बोलिए सर ये तो बहुत बड़ा फेरा हो गया। हाँ भाई फेरा तो हुआ है, अगर आपका 18 पेपर है तो भाई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा कि आप नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आपका 18 पेपर नहीं है तो फिर आप सभी बच्चों को रोक दिया जाएगा। अभी सेमेस्टर 4 में तो सेमेस्टर 4 रोक दिया जाएगा, फिर आप सभी बच्चे के सेमेस्टर, मान के चलते सेमेस्टर 4 में किसी पेपर फेल होते हैं जिस वजह से आपका 18 पेपर कंडीशन पूरा नहीं होता, तो जब तक सेमेस्टर 4 नहीं दीजिएगा तब तक भाई क्लियर नहीं हो सकता। बोलिए सर इससे कोई निपटारण का उपाय, भाई निपटारण हर बार उपाय ये रहता है कि अगला आने वाला सेशन आप देखिए 22-26 में, तो 23-27 सेशन के साथ आप सभी बच्चों को आपका जो भी पेपर में बैक लगा होगा सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में, वो आपको देके क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आप अगला सेमेस्टर में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। या फिर अगर आपका सेमेस्टर 4 रुका हुआ है, अगर आपका सेमेस्टर 4 में लगने के कारण 18 नहीं पूरा होता तब तो भाई 23-27 के चलोगे, या फिर अगर प्रीवियस किसी में रुका हुआ था तो 23-27 से दोगे, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप सभी बच्चों की जो यूनिवर्सिटी है वो अगर पेपर या फिर एक एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन लेके आप सभी बच्चों ग्रेजुएशन अगर पूरा करवाना चाहे तो ये पॉसिबल है, जल्दी हो सकता है, अदरवाइज तो भाई ये कभी हुआ नहीं आज सर कि यूनिवर्सिटी इस तरह से एग्जामिनेशन कन्वर्ट करवाया और आपका सारा का सारा बैक पेपर क्लियर करवा दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपसे ही बच्चे नए गाइडेंस समझ गए होंगे, प्लस आपसे ही बच्चों को फिर से सेमेस्टर 5 में नए नए पेपर से तो अपना अपना एग्जामिनेशन देख के भाई नए नए सिलेबस है, क्योंकि पूरा थोड़ा सा सिलेबस भाई हटके चलने वाला, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो टॉपिक है वो कुछ नए नए सिलेबस अपडेट किया है यहाँ पर, तो देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद पढ़ना शुरू करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।